गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए 13 अगस्त, रात से ही बारिश हो रही है और आज 13 अगस्त की मॉर्निंग आ चुकी है। किस तरह से हमारे प्लांट में देखिए बारीक बारीक बूंदों के कतरे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत सा नज़ारा होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बारिश बरसने के बाद बारीक बारीक बूंदें, बारिश के पानी के कतरे किस तरह प्लांट पर टिके हुए कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। इन बारिशों में बोगनवेलिया से सारा फूल उतर चुका है। और ये देखिए टैमरिंड प्लांट, इमली का प्लांट, और एक प्यारा सा नज़ारा आपको और भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कई घंटों से बारिश हो रही है। मॉर्निंग ग्लोरी के सारे जो फ्लावर हैं वो तो पानी से ख़राब हो गए, बारिश के पानी से, लेकिन ये देखिए ये एक बड़ा सा लीव इसने शेड बना दिया था और इस शेड के नीचे हमारा ये मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर था। तो ये फ्लावर ख़राब होने से बच गया सिर्फ इस शेड की वजह से। और एलोकेसिया के लीफ पर तो अब बूंदे टिकी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अरवी के पत्ते कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं, बड़ा मखमली सा प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है इस पर। तो फ्रेंड्स, इस वाइन का नेम अभी तक नहीं मालूम हो सकता है। इसमें ये ब्लू कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और बहुत छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं। देखिए ये भी कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, इन पर भी शबनम के कतरों की तरह बारिश की बूंदें टिकी हुई हैं। बड़ी फ्रेश और ख़ूबसूरत सी वाइन होती है ये, नीचे की साइड टेल करती है, हैंगिंग बास्केट में लगी हुई बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, बारिश में हर किसी को शेल्टर चाहिए होता है। परिंदे भी बारिश से बचने के लिए कोई ना कोई पनाह ढूंढते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं आपको, ये मेरा एक चीकू का प्लांट है जो बाउंड्री वॉल के साथ रखा हुआ है। तो इसमें एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसे शायद फिंच कहते हैं। तो देखिए किस तरह उसने अपने लिए ये बास्केट तैयार की है। अभी तो लगता है वो अपना नाश्ता पानी करने निकल चुकी हैं। ये देखिए, और किस तरह पत्तों का ये छुपी हुई है पत्तों में। तो हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि बुरा लगेगा उसे। अभी वो कहीं आसपास ही है। इतनी इतनी तेज़ बारिश हुई है दोस्तों, लेकिन वो इसी में ही आके रहती है। पहले इसमें छोटे छोटे से बच्चे भी थे जो शायद उड़ चुके हैं। इन पत्तों ने इस बारिश को कवर, इस बास्केट को कवर किया है, एक शेड बना दिया है।
केसिया फ्लावरिंग प्लांट, इसके भी देखिए फ्रेश फ्रेश लीव्स पर बूंदें टिकी हुई, कितनी प्यारी लग रही हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है, पूरी रात बारिश हुई है, 12 की रात और आज 13 अगस्त की मॉर्निंग है। दोस्तों हर प्लांट पे इतनी ग्रीनिश है कि लगता है किसी पैराडाइज में खड़े हुए हैं, हर तरफ ग्रीनिश ही ग्रीनिश, बारिश के पानी से धुले धुलाए निखरे हुए प्लांट। और दोस्तों पूरा जुलाई मंथ हमने अपने प्लांट की प्रूनिंग की, लेकिन इसके बावजूद भी बराबर प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करते रहे। ये देखिए पाउडर पफ, बारीक बारीक इमली जैसे इसके पत्ते, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों जिस फिंच का जिक्र अभी हम आपसे कर रहे थे वो ये बैठी हुई है। एक चीज़ दोस्तों अभी और रहती है, आपको दिखा देते हैं। काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि ग्लोए, हमारी ग्लोए की वाइन जो है वो सरवाइव करे। और ये देखिए कितने बिग लीव और कितने हेल्दी लीव्स हैं इसके, ग्लोए वाइन। ये पान जैसे बड़े बड़े पत्ते ऊपर की साइड है दोस्तों, इसलिए ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से चली है ये और बाउंड्री वॉल पे अब ये अपनी जगह बनाते जा रही है। ऊपर की साइड के लीव्स तो दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े से हैं। और थोड़ा इनका हाल अहवाल भी देख लें बारिश में। देखिए बराबर जवाब आया, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये वाले पैरोट लोटिनो। ज़रा इनका भी हाल देख लेते हैं। मिठू तो फ्रेंड्स ये थी एक खूबसूरत सी मॉर्निंग, बारिश की सुबह। ओके दोस्तों बाय बाय। बारिश की इस ब्यूटी के साथ, इस ग्रीनिश के साथ,
तो फ्रेंड्स ये थी वो प्यारी सी चिड़िया फिंच, जिसे हम आपको दिखाना चाह रहे थे। बारिश ख़त्म होने के बाद ये भी कुछ पतंगों की तलाश में है, क्योंकि वही इसका खाना पीना है, पतंगे इसकी ग़िज़ा हैं। तो काफ़ी देर से ये उनकी तलाश में है। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, ऐसे नज़ारे कम कम ही देखने में आते हैं। दोस्तों रात भर की बारिश ख़त्म होने के बाद सुबह सुबह जब परिंदे आप बाहर आते हैं तो सभी को अपने रिस्क की तलाश होती है, उन्हीं में से एक ये भी है।